विपक्षी दल की बड़ी बैठक में जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी पर सबकी नजर रहेंगी कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर किस तरीके से वह अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें मायावती, जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी मानी जाती है, उनका इस बैठक में शामिल न होना कई पार्टियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इन सब के बीच कई दल ऐसे हैं जो आज भी ये चाहते हैं कि बसपा की एंट्री विपक्षी दल में होनी चाहिए, इससे इस विपक्ष को ही फायदा होगा। जी हां, इसमें जयंत चौधरी का मुख्य रूप से नाम सामने आता है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव बार बार मीडिया के सामने एक ही बात दोहरा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मायावती की बसपा भाजपा से मिली हुई है, तो पहले भाजपा से दूरी बनाए, फिर उनको इंडिया दल में एंट्री मिलेगी। लेकिन जयंत चौधरी से जब उनको मुंबई बैठक के दौरान पूछा गया था कि भाई मायावती को लेकर विपक्षी दलों का कोई बड़ा फैसला नहीं आया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो जयंत चौधरी ने कहा था कि मायावती संघ कई ऐसी पार्टियां जो आज भी जमीनी स्तर पर रहकर भाजपा के साथ लड़ने का काम कर रही है, और आने वाले वक्त में ऐसा नहीं है कि दल इतना ही रहेगा, इस दल में इतनी ही पार्टियां रहेंगी। इस दल में पार्टियां बढ़ेंगी और पार्टियां घटेंगी भी, क्योंकि कई फैसलों से कई पार्टियां नाराज होंगी और कई फैसलों से कई पार्टियां आकर्षित भी होंगी। तो ऐसे में पार्टियों के बढ़ने की भी आशंका है, और वह दल भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो अब तक नहीं जुड़े थे, जो अब तक इस दल की बुराई कर रहे थे। लेकिन जब वे देखेंगे कि इंडिया दल में ताकत है, इंडिया दल कैसे मिला हुआ है, क्योंकि पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि 28 पार्टियां, वो भी 28 दुर्विरोधी विपक्षी पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, वे आज एक दूसरे के साथ मिलकर चुनावी अभियान चला रही हैं और बीजेपी को हटाने की बात कर रही हैं, उस पर कैसे यकीन कर लिया जाए। तो इसी बात को लेकर जयंत चौधरी ने साफ कहा कि सबसे पहले तो हम लोगों के मन से शंका दूर करना चाहते हैं कि हम साथ नहीं आ सकते, हम साथ आएंगे, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे। इसी के बाद उन्होंने मायावती को लेकर भी कहा था कि वे हर किसी के संपर्क में रहते हैं, यानी ये जयंत चौधरी ने खुद ने कहा था कि वे हर किसी के संपर्क में रहते हैं, किसी से कभी मदद लेनी पड़ सकती है, ये राजनीतिक है, राजनीति में कभी भी किसी को नीचा या दुश्मन बताकर उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो ऐसे में बसपा को लेकर उनकी रणनीति साफ थी। कहा यह जा रहा है कि जिन सीटों पर सपा चुनाव लड़ती है, जिन सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ती है, वहां भाजपा तो एक चुनौती है ही, लेकिन बसपा भी तीसरी बड़ी पार्टी बन जाती है, यानी कि तीसरा विकल्प बन जाती है जनता के सामने। तो ऐसे में वोट परसेंटेज बटने की वजह से भाजपा की जीत आसान हो जाती है, इसी को आसान ना करते हुए कठिन बनाना है, और इसीलिए मायावती भी अगर आती तो ज्यादा बेहतर रहता। बाकी देखते हैं अब जयंत चौधरी का क्या रुख रहने वाला है। लेकिन जयंत ने अपनी बात साफ कर दी है कि वे एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, वे इंडिया दल के साथ ही बने रहेंगे। आप भी बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।